बच्चों, पिछली ताशिका के समय कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 23 पर जो कहानी थी न्याय मंत्री, इस कहानी के कुछ हिस्से का हमने अध्ययन किया है। न्याय मंत्री के बारे में जानकारी लेते समय हमने देखा कि सम्राट अशोक शिशुपाल के घर एक अजनबी बनकर परदेशी बनकर जाता है और रात काटने के लिए वहाँ अनुमति मांगता है दरवाज़ा खटखटाकर, और फिर शिशुपाल के उसे अतिथि के माध्यम से सम्मानजनक उसके साथ व्यवहार करते समय उसे न्याय व्यवस्था के बारे में बातें करते समय जो कुछ भी दोनों में बातें हो गई थी, जैसे सम्राट अशोक और शिशुपाल में बात हो गई थी कि आजकल राज्य में न्याय व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो स्वयं सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय व्यवस्था का भाग संभालने के लिए कहते हैं। यहाँ तक का अध्ययन हमने किया था। अब पन्ना नंबर 24 पर अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदल कर वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे थे, क्योंकि अपराधी को सजा देनी थी। लेकिन शिशुपाल के सामने ये समस्या थी कि पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट ने ही की थी, तो सम्राट अशोक यानी अपने राजा को अपराधी घोषित करना और उसे सजा देना, यह काम शिशुपाल के लिए कठिन था। लेकिन एक न्याय मंत्री के माध्यम से उसे सजा देना ही न्याय मंत्री का कर्तव्य था। इसी उलझन में शिशुपाल थे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदल कर वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। आगे देखिए, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। जैसे ही राजा ने कहा कि यदि अपराधी यानी दोषी का पता चला है तो उसे राज दरबार में उपस्थित करो, न्याय मंत्री कुछ देर के लिए रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की थी और न्याय मंत्री होने के नाते शिशुपाल ने आदेश दिया। एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था।
आगे दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस, साहस यानि धाड़स यानि अपने ही राजा को दरबार में गिरफ्तार करना, दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया क्योंकि न्याय मंत्री ने राजा को ही गिरफ्तार करने का अपने उच्चाधिकारी धनवीर को संकेत दिया था और राजा को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। यह सुनकर, ये देखकर सारा दरबार निस्तब्ध यानि शांत हो गया। उस निस्तब्धता को देखते हुए सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस, न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। राजा की ओर न देखते हुए भी न्याय मंत्री ने फिर से भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुनाई न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, दोहराना यानि बाद में वही कहना, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी पड़ना यानी उन्हें बंदी बनाना। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है। देखो, सम्राट अशोक को अभी न्याय मंत्री क्या कहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट ओट काट कर रह गए यानि गुस्से से लाल हो गए थे। उनका चेहरा क्रोध से आग उगाल रहा था। सम्राट ओट काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर यानि सम्राट ने जवाब दिया, हाँ मैंने ही मारा है उसे। क्यों मारा, तो वह उदंड था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि तुम अपराधी हो, राज दरबार के एक कर्मचारी की हत्या की, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया यानी निर्णय किया कि वो दोषी यानी अपराधी को सजा मृत्युदंड की उन्होंने सुनवाई। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानि माहौल एकदम शांत रहना, सन्नाटा यानि चुप्पी साधना। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। दंडित करना यानि सजा देना। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी आनंदित हो गए थे वो, कि उन्होंने सही न्याय किया था। चाहे राजा हो या अपराधी दोषी, सजा तो गुनहगार को मिलनी ही चाहिए। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया यानि अपराधी की तरह उन्होंने बर्ताव किया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था यानि इतना
न्याय करने वाला शिशुपाल अपने राज्य में, इसलिए वो आनंदित हो गए। ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहे थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। देखो, न्याय मंत्री ने संकेत दिया कि एक कर्मचारी को उन्होंने कहा, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और शास्त्रों में लिखा है, राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुन लोग उनकी जय जयकार कर उठे, जय जयकार करने लगे, क्योंकि शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। और यहाँ पे यह पाठ पूरा होता है। देखो, जैसे ही न्याय मंत्री को पता चलता है कि हमारे राज कर्मचारी यानी पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट अशोक ने ही की है, तब वे उलझन में होते हैं कि भाई, सम्राट अशोक को यानी राजा को हम शिक्षा कैसे दे। लेकिन सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या की थी, इसलिए वो दोषी थे, अपराधी थे, और अपराधी का दंड देना न्याय मंत्री का कर्तव्य है। इसलिए वे क्या करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, राजा को भी गिरफ्तार करते हैं, और राजा की जगह उन्होंने जो सोने की राजा की मूर्ति बनाई होती है उसको फांसी देते हैं और राजा को छोड़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर यानी सावधान कर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर जो राजा की सोने की मूर्ति बनाई गई है उसे फांसी पर लटका दिया जाए। यह सुनकर जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले और न्याय मंत्री का न्याय भी सुनकर लोग जय जयकार कर उठे, यानी न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग तो जय जयकार कर ली, लेकिन जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा की अंगूठी जो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को जब न्याय मंत्री बनाया था उस वक्त दी थी, वही अंगूठी शिशुपाल ने राज मुद्रा की अंगूठी सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यानी वो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति का सामना मुझे करना पड़ता है, ऐसे आगे होगा तो ऐसी परिस्थिति का सामना मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए ये आपकी अंगूठी और ये न्याय मंत्री का बोझ मुझसे आप वापस ले ले। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, यानी न्याय मंत्री शिशुपाल ने बहुत ही अच्छी तरह से न्याय किया था, दोषी को, अपराधी को सजा भी सुनवाई और शास्त्र का सम्मान भी रखा, और न्याय मंत्री ये
इस तरह से शिक्षा कर सकते हैं यह भी बताया। इसलिए वो बहुत ही सम्मान भरी दृष्टि से शिशुपाल को देखते हैं। उनको देखकर उनका मन गदगद हो उठा, यानी वो आनंदित हो गए। उनकी आंखों से खुशी से आंसू आ गए और कहा, सम्राट ने आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। साहस यानी धाड़स, कौतुक, प्रशंसा करना। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, इसलिए यह न्याय मंत्री का भार आप ही संभाले। इस पर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए और उस दिन से न्याय मंत्री का भार शिशुपाल संभाल रहे। अब इस पाठ के बाद कुछ कठिन शब्द और तभी यहाँ पे दिए गए हैं जिसका अध्ययन हमें करना है। जैसे पन्ना नंबर 27 पर है, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, अतिथि, मेहमान, आदर सत्कार, सम्मान, मुग्ध, मोहित होना, सहमत, स्वीकार करना, सुगम, आसान, अपराधी, दोषी, सहम जाना, भयभीत होना, समुचित यानि अच्छी तरह, उपस्थित यानि हाजिर, निस्तब्धता यानि चुप्पी, एकदम शांत वातावरण होना, सन्नाटा, चुप्पी, दंडित, सजा देना, चेतावनी, सावधान करना, निरुत्तर, बिना उत्तर के। यहाँ पे जो कठिन शब्दार्थ रूपी शब्द और उसके अर्थ दिए गए, जैसे सौभाग्य यानी शिशुपाल कहते हैं कि अतिथि का स्वागत करना यह हमारा सौभाग्य है, अच्छी किस्मत है। अतिथि यानी मेहमान, मेहमानों का हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर सत्कार, मेहमानों का जो आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, जैसे उन्हें खाना पीना समय पर देना, उनकी खातिरदारी करना। मुग्ध यानि मोहित होना, सहमत यानि स्वीकार करना, बात को स्वीकार करना। सुगम यानि सरल, सीधा, सादा, आसान। अपराधी यानि दोषी, गुनेगार। सहम जाना यानि भयभीत होना, डर जाना। समुचित यानि अच्छी तरह से परहेज रहना, समझना। उपस्थित यानि हाजिर होना, जैसे सम्राट अशोक को दरबार में उपस्थित किया गया। निस्तब्धता, चुप्पी, एकदम शांति। सन्नाटा यानि साइलेंस, चुप्पी साधना। दंडित यानि सजा देना, जैसे शिशुपाल ने सम्राट अशोक की यानि राजा होने के बावजूद भी उन्हें सजा सुनाई थी। चेतावनी देना यानि सावधान करना, सजग करना। निरुत्तर यानि बिना उत्तर के, जैसे न्याय मंत्री को ही बार फिर से राजा ने दिया तो न्याय मंत्री वहाँ पे निरुत्तर हो गए। उसके बाद पन्ना नंबर 27 पर ही कुछ मुहावरे दिए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे खून खौल उठना, बहुत क्रोध आना। जैसे ही शिशुपाल ने सम्राट अशोक यानी राजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तब राजा का खून खौल उठा। डंका बजा देना, जीत लेना। कबड्डी की प्रतियोगिता में हमने डंका बजा दिया, कबड्डी की प्रतियोगिता में हमने जीत का डंका बजा दिया। नींद उड़ जाना, परेशान होना। जैसे ही सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की थी, उसकी वजह से शिशुपाल की नींद उड़ गई। रात दिन एक करना, बहुत परिश्रम करना। दोषी को गिरफ्तार करने के लिए शिशुपाल ने
रात दिन एक कर गुनेगार को पकड़वा दिया। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत हैरान होना। जैसे ही राजा को राज दरबार में सजा सुनाई गई, तब लोगों का आश्चर्य से ठिकाना न रहा, क्योंकि स्वयं पहरेदार की हत्या राजा ने ही की थी। इस ये जानकर सब लोग हैरान हो गए थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा था। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत हैरान होना, परेशान होना। पहरेदार की हत्या की वजह से शिशुपाल बहुत हैरान थे। इस तरह से न्याय मंत्री इस पाठ के माध्यम से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। इसमें देखा कि शिशुपाल परदेशी यानी राजा सम्राट अशोक किस तरह से न्याय मंत्री का भार संभालने के लिए शिशुपाल को न्याय व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं। उस वक्त वो उसकी परीक्षा लेकर उसे ही शिशुपाल को उस परीक्षा में सफल होने के बाद उसे ही न्याय मंत्री बनाते हैं, और उस न्याय मंत्री का भार शिशुपाल संभालते हैं। इस कहानी का अध्ययन हमने किया और साथ में कठिन शब्दार्थ और मुहावरों का अर्थ भी लिया। जहाँ तक पाठ पूरा हुआ है, यहाँ तक आप शब्दार्थ और मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करके आप लोग मुझे सुंदर हस्ताक्षर में नोटबुक में लिखकर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।